रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के 2 दिन के बाद आज उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया और इसी के साथ उद्धव ठाकरे अपने पहले टेस्ट में पास हो गए हैं। बहुमत परीक्षण में कुल 169 वोट उद्धव सरकार के पक्ष में पड़े, वहीं बीजेपी विधानसभा से वॉकआउट कर गई। वोटिंग के दौरान कुल 4 विधायक तटस्थ रहे। बहुमत साबित करने के बाद गठबंधन के नेताओं के जोश का ठिकाना नहीं था, तो वहीं विपक्ष लगातार कर रहा था विरोध। इधर विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने बहुमत का पहाड़ा पढ़ा, उधर शिवसेना समेत तीनों दलों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जी संख्या 169 इतकी आहे, वो प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या प्रतिकूल सदस्यांची संख्या 0 इतकी आहे। गठबंधन के विधायकों के हाव भाव से जीत के प्रति उनका विश्वास झलक रहा था। ना तो जोश और उत्साह में कोई कमी थी और ना ही विधानसभा में बहुमत साबित करने की रणनीति में कोई ढील। आज जो हम बता रहे थे कि हमारे पास आंकड़े हैं, वो सबको दिखे। सदन का पहला दिन था, क्या सत्य की जीत हो गई, झूठ की हार हो गई। 169 इतना सपोर्ट एमएलएस का, उद्धव ठाकरे जी का जो महाआघाड़ी का सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको मिला है और एक अच्छी खुशी की बात है। अभी एक एग्जाम इस गवर्नमेंट ने वो उसमें पास हुआ है। मैं महाराष्ट्र की जनता की और सारे लोगों ने जिन पे हमने विश्वास दिखाया उनकी तहे दिल से उनको मुबारकबाद भी देती हूँ और आभारी हूँ। और एक भावना मेरे मन में जो है कि अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जो मतदान हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ, जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया वो राज्यपाल महोदय की मान्यता से बुलाया गया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए उस पर सवाल खड़ा कर रही थी कि उनके पास नंबर नहीं थे, 119 का दावा उनका खोखला साबित हो गया। बहुमत परीक्षण में कुल 169 वोट उद्धव ठाकरे के पक्ष में पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। उद्धव के विपक्ष में वोट न पड़ने की वजह बीजेपी का सदन से वॉकआउट करना था। वोटिंग के दौरान कुल 4 विधायक तटस्थ रहे, इसमें ओबीसी की पार्टी के 2 विधायक, उद्धव के भाई राज ठाकरे की पार्टी का 1 विधायक और 1 सीपीएम का विधायक शामिल है। पंडितराव मुंडे क्रमांक 7। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर ने वोटों की गिनती करने के लिए एक खास तरीका अपनाया। हर विधायक को अपनी सीट पर खड़े होकर ये बताना था कि वो सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में, और इन गिनती को विधानसभा के सचिव नोट करते गए। पक्ष में वोट देने वालों विधायकों की गिनती 169 पे खत्म हुई। कारण मैदानातला माणूस आणि त्याला या वैधानिक कामकाजाचा अनुभव नाही, पण इथे आल्यानंतर मला असं वाटलं की याच्यापेक्षा मैदानात चांगलं असतं। आज मी रिकाम्या बाक्यांशी काही लढणार नाही, कारण मोकळ्या मैदानामध्ये तलवारबाजी करणारा मी नाहीये। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेणं हा गुन्हा, आई वडिलांची शपथ घेणं हा गुन्हा, आपण ज्यांना दैवत मानतो हा गुन्हा, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, हा महाराष्ट्र नाही। ज्यांची शपथ घेऊन आपण हा कारभार सुरू करतो आहोत त्यांना अभिमान वाटेल असा महाराष्ट्र आपण घडवायचा आहे आणि तो घडवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, ही पुन्हा एकदा मी शपथ घेतो। लेकिन बहुमत साबित करने से पहले बीजेपी स्पीकर का चुनाव जाती थी, लेकिन उद्धव ने सबसे पहले बहुमत साबित करने की रणनीति अपनाई। इसका बीजेपी ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर गई। संविधान के अनुसार जो सभागृह नहीं चलता उसमें हम काम नहीं कर सकते, हम संविधान अनुरूप ही काम करेंगे। इसलिए हम सब ने इस सभागृह के कामकाज पर बहिष्कार डाला है। हम माननीय राज्यपाल जी को एक पत्र भी देने वाले हैं कि ये सारा कामकाज निरस्त हो, क्योंकि राज्यपाल जी की यह जिम्मेदारी है कि यह सभागृह ये संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। ये साफ है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को चैन से सत्ता का सुख नहीं लेने देगी। किसान, बेरोजगारी, विकास जैसे मुद्दों पर बीजेपी की मोर्चाबंदी उद्धव सरकार को परेशान करती रहेगी। बीजेपी ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। शक्ति परीक्षण के दौरान बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई। इसके पहले विधानसभा में बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर पर सवाल उठाए, वंदे मातरम से दूरी पर भी सवाल उठाए गए।
बीजेपी चाहती थी विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले स्पीकर का चुनाव कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी की इस मांग को खारिज कर दिया गया। फडणवीस के तेवरों से साफ है कि उद्धव सरकार की आगे की राह आसान नहीं रहने वाली। उद्धव की सेना सदन में आई तो सिर पर मराठी पगड़ी थी। उद्धव ठाकरे कार्यवाही से पहले शिवाजी का आशीर्वाद लेकर आए थे। विधायकों के हाव भाव से जीत की उम्मीद छलक रही थी, लेकिन सामने बीजेपी का विरोध था। फडणवीस ने आते ही प्रोटेम स्पीकर पर सवाल उठा दिया। हमारे महाराष्ट्र की विधानसभा के इतिहास में आज तक कभी भी जो फ्लोर टेस्ट होती है वो रेगुलर स्पीकर के चुनाव के बाद ही होती है, लेकिन इस सरकार को ये डर था रेगुलर स्पीकर का चुनाव ये बैलेट पद्धति से, सीक्रेट बैलेट पद्धति से होता है, और उसमें इनको ये पता था कि इनके एमएलए में इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट है कि यहाँ पर उनका स्पीकर चुनकर नहीं आ पाएगा और ये सरकार जाएगी। इसलिए फिर एक बार सारे नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने स्पीकर के चुनाव से पहले फ्लोर टेस्ट का ऐलान किया। फडणवीस आज आक्रामक अंदाज में थे। उद्धव के लिए संकेत साफ था कि उनका सामना बीजेपी जैसे मजबूत विपक्ष से है। प्रोटेम स्पीकर को बताना पड़ा कि उनकी नियुक्ति वैध है। फडणवीस ने वंदे मातरम का भी सवाल उठाया। बदली सियासी फिजा में शिवसेना के सामने वो तमाम मुद्दे खड़े होते रहेंगे जिनकी वो पैरोकारी करती रही है। वंदे मातरम का मुद्दा भी उन्हीं में से एक है। आपण एक खरं आहे, 7 दिवसापर्यंत अधिवेशन आपण स्थगित ठेवू शकता, पण ते कधी ठेवू शकता? आपण जर त्याची घोषणा केली असेल तर। आपण घोषणाच केली नाही, आपण या ठिकाणी अधिवेशन संपवलं, आपण राष्ट्रगीत घेतलं आणि राष्ट्रगीत घेतल्यानंतर आज ज्यावेळेस आपण अधिवेशन बोलवतात आपण असं दाखवतात, आणि म्हणून भास्कर जाधव आपण म्हणाला ते खरं होतं की राष्ट्रगीत का झालं नाही। आपल्याला प्रथा परंपरा माहिती आहे, हे नवीन अधिवेशन आहे। नवीन अधिवेशनाची सुरुवात ही वंदे मातरम ने व्हायला हवी होती, परंतु तसं न करता ठिकाणी ये साफ है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को चैन से सत्ता का सुख नहीं लेने देगी। किसान, बेरोजगारी, विकास जैसे मुद्दों पर बीजेपी की मोर्चाबंदी उद्धव ठाकरे को परेशान करती रहेगी। बीजेपी ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है, लेकिन फिलहाल तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के लिए आज उत्सव की रात है, एक नए अध्याय की शुरुआत की रात है। विधानसभा में आज बहुमत सिद्ध करके उद्धव ठाकरे ने अपनी पहली बड़ी लड़ाई तो जीत ली, लेकिन आने वाली राह उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। जो आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन में दिखाई है वो आने वाले दिनों में महाअघाड़ी और भाजपा के बीच में होने वाली राजनीतिक जंग का एक ट्रेलर ही होगा। कैमरामैन वैभव कंदुटकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने बहुमत तो साबित कर दिया, अब उद्धव के सामने तीसरी चुनौती गठबंधन के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर है। माना जा रहा है इस पर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के पास शहरी विकास, सिंचाई और परिवहन मंत्रालय रह सकता है, वहीं एनसीपी के खाते में गृह, वित्त और वन पर्यावरण मंत्रालय आ सकता है, जबकि कांग्रेस के पास राजस्व, पीडब्ल्यूडी और एक्साइज विभाग के आने की संभावना है। एक दो दिनों में मंत्रालय को लेकर आखिरी फैसला लिया जाएगा। औपचारिक ऐलान से पहले तीनों दलों के बड़े नेताओं के बीच बैठक भी संभव है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली महाराष्ट्र की। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में वोटरों ने जमकर मतदान किया है। 6 जिलों की 13 सीटों पर 64.12% मतदान की खबर है। राज्य में छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पलामू में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस के उम्मीदवार मतदान बूथ पर पिस्टल लहराते हुए देखे गए। कांग्रेस विधायक के एन त्रिपाठी को खदेड़ती भीड़ पर अचानक सुरक्षा बलों ने AK-47 तानी। फोर्स की हरकत में आते ही हंगामा करती भीड़ मौके से भाग खड़ी हुई। कांग्रेस उम्मीदवार के एन त्रिपाठी पलामू के कोशियारी बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत पर पहुंचे थे। आरोप है कि यहां बीजेपी प्रत्याशी के इशारे पर कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें बूथ से लगभग भागना पड़ा, लेकिन बूथ से निकलते वक्त कांग्रेस उम्मीदवार ने पिस्टल निकाल ली।
पिस्टल के साथ केएन त्रिपाठी को देखकर भीड़ और भड़क गई और नारेबाजी की जाने लगी। सैकड़ों की तादाद में लोग गुस्से से भर गए। हालात बिगड़ते देख कांग्रेस उम्मीदवार ने मौके से निकलने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन पिस्टल लहराते हुए उनकी तस्वीर इलाके में तेजी से वायरल हो गई। उधर केएन त्रिपाठी का आरोप है कि पलामू के ग्रामीण इलाके में वोटिंग के दौरान बीजेपी के इशारे पर गड़बड़ी की गई। शिकायत मिलने पर जब वो बूथ पर पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करने लगे, नारेबाजी की गई, गाड़ियों के शीशे चटका दिए गए। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें मौके से भागना पड़ा, लाइसेंसी पिस्टल तक निकालना पड़ा। जिला प्रशासन बूथ लुटवा रही है और बूथ लुटवा करके हमें हराना चाहती है। बूथ कोसियारा बूथ दो लूट लिया गया, मझगावा दो बूथ लूट लिया गया, नगवा बूथ लूट लिया गया, पतरिया बूथ लूट लिया गया, बहुत सारे बूथ लूट लिए गए। बहरहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने पलामू डीसी से रिपोर्ट तलब किया है। उधर कांग्रेस उम्मीदवार ने वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड में आज 13 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण की वोटिंग के बाद 189 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। छिटपुट घटना को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण की वोटिंग 7 दिसंबर को होगी। पलामू से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें झारखंड में 5 दौर में मतदान होना है। अगले दौर का मतदान 7 दिसंबर को होगा। आज झारखंड के राजमहल में चुनाव प्रचार के दौरान आजसू के मुखिया सुदेश महतो के साथ बड़ा हादसा हो गया। चुनावी रैली के दौरान उनका स्टेज गिर गया। हादसे में सुदेश महतो को हल्की चोटें भी आई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजसू के चीफ रैली को संबोधित कर रहे थे, काफी ज्यादा भीड़ भी वहां पर थी और जैसा कि आप सुन पा रहे हैं मंच से जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। अचानक से ही मंच, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ वहां पर उमड़गड़ी थी, गिर गया और सुदेश महतो को चोट भी आई है। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद, जहां पर महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में उबाल है। आज दिल्ली में भी इसे लेकर प्रदर्शन हुआ। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान उस वक्त बवाल मच गया जब एक प्रदर्शनकारी लड़की को पुलिस जबरन अपने साथ ले गई। हैदराबाद में एक महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। संसद मार्ग थाने पर विरोध की आवाज उठी, लेकिन इस आवाज को भी दबाने की भरपूर कोशिश की गई। महिलाओं के साथ पुलिस का ये सलूक चौंकाने वाला है। मैं रेप केसेस सुन सुन के थक गई हूँ, इसलिए प्रोटेस्ट कर रही थी। तो आप किससे सवाल करना चाहती हैं? गवर्नमेंट। अब मैं अपनी सेफ्टी पूछना चाहती हूँ, मेरी सेफ्टी क्या है? अनु दुबे जो एक कामकाजी महिला है, जिनका सवाल बस इतना था कि देश की बेटियों को सुरक्षा कौन देगा, लेकिन उनका ये सवाल भी पुलिस को नागवार गुजरा। क्यों लोग इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें गंदा लगता है इंडियन डॉटर्स होना, क्यों? मुझे इसका आंसर चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट रेप केसेस, इट्स अबाउट मोर। दिल्ली में ही नहीं, हैदराबाद के उस शादनगर थाने के बाहर भी पुलिस का जोर उन लोगों पर चला जो महिला वेटनरी डॉक्टर से दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। हैदराबाद में जगह जगह पर दिल दहला देने वाली दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन पुलिस की नाकामी और नाकामी पर बेतुके बयान का पर्दा डालने वाले मंत्री के खिलाफ है। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़े लिखे होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। बाज़ वक़्त दुख होता है, इसमें अवेयरनेस बिल्ट अप करेंगे लोगों में कि 100 नंबर हमेशा पब्लिक के लिए एक फ्रेंडशिप नंबर है। अगर कहीं पर भी अगर 100 नंबर पर करेंगे तो विद इन 3-4 मिनट्स में पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंत्री जी उसी पुलिस को लोगों का दोस्त बता रही हैं जिसने पीड़िता के परिवार वालों को कहा था आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। अब महिला आयोग ने नोटिस जारी कर उसकी खबर ली है, लेकिन इन सब बातों से न तो एक परिवार को उसकी बेटी सही सलामत मिलेगी, ना उसके साथ हुई दरिंदगी की खौफनाक यादें मिटेंगी।
तीन बजे के साहब मेरे को दो आदमी दे वो कांस्टेबल को, मैं जाकर ढूंढ लेता हूँ बोला तो तीन बजे एक फिर इस पुलिस स्टेशन में दो कांस्टेबल जाकर देखे तो हमारा कुछ नहीं मिला, हमारा पापा चले गए। पुलिस इमिडिएटली वो दस लोगों को उधर सर्च कर रहे तो मिलता था, उन लोग ही बोल रहे उस बाजू में ऐसा हो गया है या मिस हो गया, उधर ही बाजू में वो ऐसा हो गया करके, फिर पुलिस का फेलूर है पूरा। भारी लापरवाही के बाद पुलिस की नींद खुली और उसने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैवानियत की जो कहानी सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देती है। कैसे स्कूटी की हवा निकालकर मदद के बहाने दरिंदे पीड़िता को सुनसान जगह तक ले गए, कैसे उसकी चीख को दबाने के लिए उसका दम घोट दिया गया, कैसे उसकी चीख को दबाने के लिए उसका दम घोट दिया और कैसे पकड़े जाने से बचने के लिए उसके शव को जला दिया, ऐसी बातों ने एक बार फिर एक बीमार समाज, गैर जिम्मेदार पुलिस और तुरंत कठोर सजा देने में लाचार कानून के मुद्दों को सामने ला दिया है। हैदराबाद में आशीष पांडे के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। इस तरह की बर्बरता से अपनी बेटियों को कब बचाएंगे हम लोग, सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर यही खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दिखाते हैं नीतीश राज के सुशासन की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर से और दूसरी तस्वीर समस्तीपुर से। विवाह समारोह में बेखौफ होकर लोग पिस्टल और बंदूकें लहराते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र में शादी के दौरान पिस्टल लहराते तीन युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच कर पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उधर समस्तीपुर के रेलवे के अधिकारी क्लब में रेलवे के इंजीनियर की शादी समारोह में हुई हर्ष पारिंग के दौरान फोटोग्राफी करने आए कैमरामैन की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं कैसे शख्स हाथ में राइफल लिए झूम झूम कर डांस कर रहा है। इसी दौरान ट्रिगर पर उंगली चली गई और राइफल से निकली गोली। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। एक सरकारी स्कूल में डीएम का औचक निरीक्षण हुआ। जांच पड़ताल के बाद डीएम ने स्कूल टीचरों को अंग्रेजी की किताब पढ़ने को दी, लेकिन अंग्रेजी की टीचर दो शब्द भी अंग्रेजी बोल नहीं पाई। देखिए आप। अंग्रेजी किताब को बमुश्किल पढ़ रही ये टीचर एक सरकारी स्कूल में तैनात है। जिम्मा छठी क्लास से आठवीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की है। ये हमारी खोखली शिक्षा व्यवस्था की बोलती तस्वीर है। मैडम अंग्रेजी के शब्द में ऐसे फंसी कि सामने बैठे डीएम साहब ने सिर पीट लिया, अवाक रह गए। स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली महिला टीचर इंग्लिश की कुछ लाइनें भी नहीं पढ़ पाई। दूसरी महिला टीचर को अंग्रेजी के दो चार शब्द पढ़ने को कहा गया तो वो भी इस भवन में फंस गई। दरअसल उन्नाव के डीएम एक सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली महिला टीचर से अंग्रेजी की किताब को पढ़ने के लिए बोला गया, लेकिन महिला टीचर डीएम की टेस्ट में फेल हो गई। नतीजा उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सिकंदरपुर सरोसी में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसमें डीएम साहब थे और हम भी थे, उसमें निरीक्षण किया गया। तो कक्षा आठ में छः में तो डीएम साहब के द्वारा हिंदी पाठ पढ़ाया गया तो उसमें बच्चे पढ़ ले रहे थे, एक आध बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे थे। और कक्षा आठ में जब इंग्लिश के लिए ये पाठ पढ़ने के लिए बच्चों को कहा गया तो वो नहीं पढ़ पा रहे थे। उसके बाद डीएम साहब ने शिक्षकों से भी कहा तो शिक्षकों को भी पढ़ने में असुविधा हो रही थी। इस पर डीएम साहब नाराज हुए और उन्होंने कहा जब आप ही को नहीं आ रहा है तो बच्चों को पढ़ाने में आप कैसे काम करेंगे। सवाल उठता है कि जो पकड़ में आ गया उसे सजा मिल गई, नहीं तो देश के सरकारी स्कूलों की हालत और उनमें पढ़ाने वाली टीचरों का सच किसी से छिपा नहीं है। न सुविधा है न टीचर, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। निजी स्कूलों के बच्चों से तो तुलना बेमानी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात कर लेते हैं पहाड़ों में हो रही रिकॉर्ड बर्फबारी की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। दोनों ही राज्यों में बर्फबारी सफेद आफत का परवाना लेकर आई है। उत्तराखंड में पिछले दो दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। 2 फीट से लेकर 4 फीट तक बर्फ जमा है। बद्रीनाथ धाम से 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा है। केदारनाथ में भी सब कुछ जम गया है। ये 5 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ।
बीमारी के आगे ऊपर वाला भी बेबस है। बद्रीनाथ मंदिर का हाल देखिए, बर्फ की चादर में लिपटे बाबा बद्रीनाथ के मंदिर को देखकर ये एहसास हो जाता है कि बर्फबारी कितनी भारी है। बद्रीनाथ में लगातार 4 दिनों से बर्फबारी हो रही है, अभी तक 4 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। हनुमान चट्टी से आगे बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। गंगोत्री में भी जमकर बर्फबारी हुई है। गोत्री धाम में 2 फीट से अधिक बर्फ पड़ चुकी है। मुखीमठ, हर्षिल, धराली और मार्कंडेय में भी 1 फीट बर्फबारी हुई है। गंगा घाटी में सुक्की झाला, हर्षिल और धराली में लगातार बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम का हाल तो आप देख ही चुके हैं। 4 दिनों से केदारनाथ में बर्फ की बारिश जारी है। बर्फ ने बाबा केदार के मंदिर की पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल औली में तो नजारा बेहद खूबसूरत है। नवंबर में ही बर्फबारी से सैलानियों की खुशी 7वें आसमान पर है। टूरिस्ट जमकर मस्ती कर रहे हैं। असल में कल रात से भारी हिमपात हो रहा है, जिस कारण बच्चे विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं और इन विकट समय भी हम सब लोग यहाँ पर बने हुए हैं। उत्तराखंड पर इस बार कुदरत की खासी मेहरबानी दिख रही है। नवंबर में बर्फबारी का मतलब है आने वाले दिनों में यहाँ जमकर बर्फ गिरने वाली है। पर्यटन कारोबार के लिए अच्छा संकेत है। कमल नैन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। रूसी सेना के कैडेट्स का एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में रूसी कैडेट्स हिंदी का मशहूर देशभक्ति गीत गा रहे हैं। ये फिल्म शहीद का गीत है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।